बारकामा गांव में मंगलवार को आग ताप रही महिला झुलसने से बुरी तरह घायल हो गई। एम्बुलेंस के अभाव में महिला रात भर तड़पती रही। सुबह बातबिनोर से 108 एम्बुलेंस पहुंचने पर महिला को CHC चंदन कैरी पहुंचाया गया, जहां उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार देर शाम चंदन कैरी के बारकामा गांव निवासी निमाई गोराई की पत्नी मनीबाला देवी आग ताप रही थी, तभी किसी कारणवश उसके चादर में आग पकड़ ली। जब तक महिला कुछ समझ पाती तब तक आग साड़ी में भी लग चुका था। घर वालों ने अपने स्तर से आग पर काबू पाया एवं ग्रामीण चिकित्सकों से इलाज कराया, परंतु स्थिति में सुधार नहीं होते देख परिजनों ने सुबह 108 एम्बुलेंस को फोन कर बुलाया। बता दें कि चंदन कैरी प्रखंड मुख्यालय का एम्बुलेंस 2 माह पहले ही खराब हो जाने के कारण पीड़ित परिजनों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। 108 एम्बुलेंस में बार बार फोन मिलाने के बाद कई घंटे बाद बाटबिनोर से 108 एम्बुलेंस बारकामा पहुंचे एवं झुलसी हुई महिला को CHC चंदन कैरी पहुंचाया गया। CHC चंदन कैरी के डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर कर दिया, परंतु 108 के चालक ने रांची ले जाने पर कतराते रहे। एम्बुलेंस में स्ट्रक्चर नहीं होने के बाद कहकर रिम्स जाने से इनकार करते रहे। बाद में भाजपा नेता संजय शर्मा तथा विधायक प्रतिनिधि अमित सेन द्वारा 108 के चालक को खरी खोटी सुनाने के बाद रिम्स रांची ले जाने पर तैयार हुआ। बता दें कि झारखंड सरकार द्वारा 2018 में चंदन कैरी CHC को 2 108 एम्बुलेंस मिला था, जो एक प्रखंड मुख्यालय में तथा दूसरा बाटबिनोर में रखा जाता है। प्रखंड मुख्यालय का एम्बुलेंस बीते 2 माह पहले एक्सीडेंट हो जाने से खराब हो गया था, जिस कारण चंदन कैरी के लोगों को एम्बुलेंस के लिए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये सरकारी गाड़ी है, वो लोग इतना समझना चाहिए कि भाई मरीज को इतना 80% मरीज जल गया है, फिर भी बावजूद ये फोन आ रहा है, सदर से आ रहा है, ये आ रहा है कि ये ड्राइवर जो था इसका जाने का कोई थोड़ी नाखुश कर रहा है कि हम नहीं जाएंगे, मेरा गाड़ी खराब है, ये है। हमने उनसे पूछा कि CL का नंबर, तो CL का भी नंबर नहीं दिया। दूसरा बात यह है कि भाई कि तुम्हारा गाड़ी खराब है तो हम लिख करके दिया है, तो पर हम लिख करके नहीं दिए हैं। तो ऐसा फिर लास्ट में आखिर वही गाड़ी ले गया। सरकार सिर्फ खाली आदमी को ये बहला रहा है। ऐसा में कई हम लोग देखे हैं मरीज की एक साथ में ही डेट कर जाता है, सिर्फ ड्राइवर और ये जो रहता है साथ में एक साथ उसके लिए। एक साथ के ड्राइवर और कर्मचारी के लापरवाही से डेट करता है, बहुत ज़्यादा ही लापरवाही। दो तो लिखने भी नहीं आता कि दो लाइन लिख भी, उसमें डॉक्टर साहब रहते हैं, मैडम लोग रहते हैं, तो लिख कर देते हैं। बहुत अच्छा था। क्या हुआ था, किस कौन चल गए? परिवार। क्या नाम है उसका? मनी देवी। कैसे चल गई? तप रही थी। हाँ लग गया कपड़ा। हाँ हम बुझाने गए, हमारा भी इसे करके होश नहीं आया हाथ से। उसके बाद क्या किया? उसके बाद जलने के बाद आप लोग आग को बुझाए? हाँ। और किसी को जानकारी दिए? हाँ। किसको दिए? पड़ोस वाले जो। हाँ हाँ काफी जल गई। हाँ हाँ ना ना अपन कपड़ ले गए थे। हाँ आगे पहुँची ये लोग बता रहे हैं सर, रात की 9 बजे की घटना है। जहाँ तक मुझे संज्ञान के, मुझे करीब 2 घंटा पहले खबर आया कि एक बर्ड केस आया हुआ है जो गांव में है, लेकिन चूंकि व्यवस्था नहीं होने के चलते उनका आने में दिक्कत हो रही है। अभी वो हमारे अस्पताल में हैं, इनका इलाज किया गया है और उनको रेफर भी किया गया है, लेकिन परिजनों द्वारा बताया गया कि ये घटना सुबह में है या फिर कल की बात है, लेकिन चूंकि वो लोग यहाँ पर समय पर नहीं लाए थे। हालांकि यहाँ पर आने के बाद इनका सारा व्यवस्था कर दिया गया है। परिजनों का कहना है सर, रात में हुआ है, एम्बुलेंस नहीं होने के कारण 12 घंटा के बाद हॉस्पिटल लाया जा रहा है। क्या सर एम्बुलेंस कमी है सर यहाँ? अभी तो मेरे पास 2 108 एम्बुलेंस थे, लेकिन एक एम्बुलेंस तो क्षतिग्रस्त है और दूसरा एम्बुलेंस जो है वो चास और चंदन कैरी दोनों जगह का वो कॉल्स ले रहा है।
और थोड़ी सी परेशानी तो हम सभी को हो रही है कि समय पर मरीज नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हमने उच्च अधिकारी को इसकी सूचना दी हुई है और हम लोग बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कुछ व्यवस्था हम लोग को मिले तो बेहतर सुविधा दे पाएंगे।